जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्रा में। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि शिक्षा रोजगार से संबंधित भारत के किसी भी राज्य की कोई भी न्यूज़ होती है तो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर के आते हैं, चाहे भारत के आप किसी भी राज्य से रहने वाले हों। तो आज हम आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित, जैसा कि मैंने वादा किया था कि डेली जो भी भारत के किसी भी राज्य की कोई भी न्यूज़ होगी तो हम डेली बेसिस पे वो न्यूज़ आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज की न्यूज़ हम देखते हैं क्या है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका करेगी काम, बंद हड़ताल लोकसभा चुनाव का बहिष्कार। जैसा कि देख पा रहे हो आप, 14 फरवरी की न्यूज़ है। और बालाघाट आंगनबाड़ी नर्सरी स्कूल शिक्षिका सहायिका एकता यूनियन की बैठक, कर्मचारी श्रमिक नेता इकबाल अहमद कुरैशी की प्रमुख उपस्थिति में बिरसा में संपन्न हुई, जिसमें 20 फरवरी तक मांग पूरी नहीं होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को द्वारा अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल किए जाने का निर्णय लिया गया है। मांग पूरी नहीं होने पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी गई है। बैठक में मांगों को लेकर विधानसभा उपाध्यक्ष हीना कांवरे व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल को भी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में श्रमिक कर्मचारी नेता इकबाल कुरैशी ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकों को विगत 2 माह में मानदेय का भुगतान नहीं किया गया, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी को दर्जा दिए जाने की घोषणा भी की गई कि सरकारी कर्मचारी स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए बहनों को। अब तक घोषणा पूरी नहीं की गई और पूर्व राज्य सरकार ने द्वारा राज्य कार्य के द्वारा मृत व सेवानिवृत्त कार्यकर्ताओं को परिवार को 1,15,75,000 रुपये देने का आदेश पारित किया गया, लेकिन वर्तमान समय तक आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो भी अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरह सम्मान कार्य करते हैं, उन्हें सम्मान कार्य का सम्मान वेतन न करने के कारण कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इस दौरान संगठन की जिलाध्यक्ष ज्योति बघेल, सचिव श्यामवती मौजूद थे। एक और खबर आ रहा, आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविकाओं ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। बुधवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रखंड क्षेत्र में आंगनबाड़ी क्षेत्रों पर महिला मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। बुधवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रखंड क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिला मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। जानकारी देते हुए CDPO जयमाला कुमारी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविकाओं के द्वारा अपने पोषण क्षेत्र के मतदाता को जागरूक करने के लिए महिला मतदाताओं को रैली निकाली। इस दौरान सेविकाओं के द्वारा महिला मतदाता को मतदाता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की भी बात कही। जिन महिलाओं का वोटर लिस्ट में नाम नहीं उन्हें जोड़ने का भी बात कही गई और VDPAD मशीन के बारे में मतदाताओं को बताया भी गया। इस दौरान कई बहनें वहाँ मौजूद थीं और मतदाता जागरूकता रैली में शामिल। बहने देखो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने समाज की निभा रही है, मतदाता को भी जागरूक कर रही है, न कि आंगनबाड़ी की मतलब सारी चीज़ें सारा काम देखने के बाद में एक जागरूकता अपने देश के लिए फैला रही है। तो इस बीच को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को मानदेय दस्तावेजीकरण का आदेश जारी जरूर करना चाहिए, न कि स्टेट बल्कि सेंटर को भी बहुत बड़ा स्टेप उठाना चाहिए बनों के काम को देखते हुए और स्थायीकरण और मानदेय के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों डेली जो भी न्यूज़ होगा आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित मैं लेकर के आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आप भूल मत जाना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल पाएगा। जय हिंद जय भारत।